चाहे मंदिर चाहे मस्जिद चाहे गुरुद्वारा साहब चाहे चर्च अभी सारा जी सर चाह कि मेरे पंजाब तो यह मेरे देश का झंडा मेरे देश का झंडा मतलब मेरे देश का झंडा ये गल इतने खत्म हो गई साड़ी तो सारे रिस्पैक्ट ना अपने देश की रिस्पैक्ट किसी की क्यों नहीं होगी ये बकवास गल् जी जान बुझ के साढ़े से पाने की ट्राई करते ना दट्स वेरी बैड ना मैं कोई सवाल पूछो तो ना मैं थोड़े कोई दवा जवाब तुम साले पेरे लगते मैं थोड़ा जवाब नाले तुम हूँ पा यार थोड़ी जवाब दी जिथे भी जाइना चाहे मंदिर चाहे मस्जिद चाहे गुरुद्वारा साहब चाहे चर्च अभी सारा जी रिस्पैक्ट चाहते ये मेरे देश का झंडा मेरे देश का झंडा मतलब मेरे देश का झंडा ये गल इतने खत्म हो गई उस तो बाद मैं अगे कहा कि जेडे नैगेटिविटी ज़्यादा लिखते हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा मैं उन्होंने कहा कुछ लोग ना एवं बात का पतंगड़ बना देते हैं जब मैंने कोचिला में कुछ बोला था वो उसका गलत मतलब निकाल लिया मैंने बोला था चलो बात याद आ गई तो मैं कर ही देता हूँ कि मेरे पंजाब तो ये मेरे देश का झंडा मेरे देश का झंडा मतलब मेरे देश का झंडा ये गल इतने खत्म हो गई उस तो बाद मैं अगे कहा कि जेडे नैगेटिविटी ज़्यादा लिखते हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा तो उन्होंने कहा कि नैगेटिविटी ना फैलाया करो फिर कई होर देश का झंडा भी किसी ने चक्या उन्होंने तेरे लिए भी रिस्पैक्ट साड़ी तो सारे लिए रिस्पैक्ट ना अपने देश की रिस्पैक्ट किसी की क्यों नहीं होगी ये बकवास गल् जी जान बुझ के साढ़े से पाने की ट्राई करते ना दट्स वेरी बैड बहुत बुरी गल सो मैं चलो हम मौका मिलेगा चलो भी क्लीयर कर ही देना मेरा सो कोचिला वाली गल भी गलत प्रेजेंट करने की ट्राई की गई चलो उन्होंने काम भी है मैं यही समझदा भी चलो पैसे भी मिलते थोड़े जो कई बंद चक्कर के लगे रहेंगे पर अं यार रिस्पैक्ट करते हैं क्यों ना मैं क्या मेरे देश का झंडा तो मेरा देश मैं अपने देश की गल की पंजाब कितने आता पंजाब भी तो भारत के ही आता है कि गल कर एक तोड़न वाली गल् ना कराया करो जोड़न वाली गल् करो तुम भी सारे जो देखते पे हैं जो कोई बंदा इदा की गल करता उन्होंने जवाब जरूर दिया करेगा अं तो रिस्पैक्ट करते हैं सारे कोई होर देश का झंडा भी चुके चक्या मैं तो उन्होंने भी कहा जी थोड़े लिए भी रिस्पैक्ट म्यूजिक सारे का साझा आ हो सकता तो गल कॉन्ट्रोवर्सी मैं आर एम ऑन टू बी इन अ कॉन्ट्रोवर्सी थिंग कि लोगों लगे कि भाई अपनी एल्बम आई तो यह गल करता पाया नहीं मैं पहला भी गल क्लीयर की हम किसी ने गल की मैं असं जिते भी जाइए शो करते हैं मैं कदे इदा नहीं सोचा कि यार मैं इतने नहीं जाना मैं इतने नहीं जाना मैं हरेक जगह जाता मैं मंदिर भी जाना मस्जिद भी जाता गुरुद्वारा साहब भी जाने मैं बाहर कि चर्च भी जाता हरेक जगह जाइए जो पेंड असं निके होंगे जो दिवाली होंगी ना साढ़े मैं लगता पे साढ़े घर के को पहला एक जगह बनी होंगी सी उत्थे असीं पहला घर दीवे जगाने फिर जगह दीवे जगाने फिर गुरुद्वारा साहब दीवे जगाने जाके तो दैन साढ़े एक मंदिर सी शिवाल है उत्थे उत्थे एक ट्रैक हमेशा बजता होंगे जो तुम किसी ने सुनिया होवे मैं बंद कर इन्ना सुनिया ना तो मंदिर के शिव जी महाराज का मंदिर सी ते उत्थे ना बेल बेल का दरख्त दरख्त होता वो असं उतो बेल खाते गए कई बार जो पंडित जी होंगे उन्होंने उन्होंने छिटी भी चक्की साढ़े दुआले पर मैं भाई इन्नी गल कहना चाहना कि यार असं सारा की रिस्पैक्ट करते और जो ये पेंड होंगे जी हूँ भी उही रूटीन आ जिथे भी जाइना चाहे मंदिर चाहे मस्जिद चाहे गुरुद्वारा साहब चाहे चर्च अं सारा की रिस्पैक्ट करते तो अं अपने देश में प्यार हूँ इदू जा हूँ धक्के ना कही जाओ नहीं देश में प्यार नहीं करते है ना असं कही नहीं करते तुम कहीं नहीं करते यह सारी गल है कोई इधर है प्यार कर यही गल मैं उत्थे भी कही कोचिला भी मैं यही गल कही प्यार करो आ मेरी परफॉर्मेंस मेरे पंजाबी भैन भरावान लिए क्योंकि उसे एक जोड़ा खड़ा सी पंजाबी दैन मैं झंडा देखा साढ़े देश का मैं क्या यह मेरी परफॉर्मेंस मेरे देश की एक गल फिर इतने खत्म हो गई अगली गल शुरू हुई कि जेडे नैगेटिविटी फैला कि भाई नैगेटिविटी ना फैलाया करो है ना असी सारे प्यार करते पंजाबी कौम प्यार ही करती है सर सानू अड ना करो डोंट डू दिस शिट पंजाबियों अड ना करो हम कई नहीं नहीं पंजाबियों को थोड़ो वैसे इतना ना करो यार अं आप कही है यार अं थोड़ा प्यार करते हैं यार अं सारा नहीं प्यार करते पंजाबी मैं लगता जिते कि लोड़ पैंती है सब तो पहला क्योंकि मैं पंजाब से जमया मैं तह गल दसाज गल हाँ पंजाब से ठीक है ना
ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਹੈਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਗਾਣੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾਓ ਚਲਾ ਮਾਨ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਵਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਫੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ